अपनी इस लास्ट वीडियो के अंदर हम इस टूर के ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊं ऑडियंस को, पीपीटी में दिखाऊं, या मैं कोई एक MP3 फाइल क्रिएट कर दूं, वीडियो फाइल क्रिएट कर दूं और वो मैं वीडियो प्ले करूं, तो सबसे पहला जो व्यू आना चाहिए ना, वो सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह का आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एड सीन के बटन पर क्लिक करते हैं, ये दूसरी हमारी स्लाइड क्रिएट हो गई। अब दूसरी स्लाइड में मैं ये चाहता हूं कि सिस्टम जो है वो कराची इस तरह से जो है वो प्रॉम्प्ट करे, और जब वो प्रॉम्प्ट करेगा तो सीन के ऑप्शन दिए हुए कि ड्यूरेशन कितने सेकंड्स होंगे, आप अगर सेकंड्स को यहां से कम और ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, और कोई इफेक्ट्स भी देना चाहते हैं कि वो चेंजिंग हो तो किस तरह से चेंज हो, टाइम ड्यूरेशन आप यहां पर डिफाइन करना चाहते हैं। सो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन इफेक्ट, मैंने अंडू कर दिया। सो मेरे पास ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ रहे हैं, सीन के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया, ये प्रॉपर्टी आ रही है नो इफेक्ट, मैंने इसको डॉली स्टाइल दे दिया 3.5, और ये दूसरा रीजन मेरे पास आ रहा है। इसके बाद मैं चाह रहा हूं कराची से यह हैदराबाद पे जाए, सो मैंने एड सीन पे क्लिक किया और मैंने यहां पर हैदराबाद के ऊपर क्लिक किया, हैदराबाद जो है वो प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट हो रहा है। जूम मैं थोड़ा सा इसका सेट कर लेता हूं ताकि पीछे जो कैप्शन है वो भी मुझे प्रॉपर्ली नजर आए, उसका ड्यूरेशन मैं कम करके 3 सेकंड कर देता हूं, और इफेक्ट्स पे मैं कोई और इफेक्ट दे देता हूं। देन उसके बाद एड सीन करते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि ये टूर करे, पहले जूम आउट हो और फिर ये चला जाए लाहौर पे, लाहौर को हमने दिखा दिया, एंड देन नेक्स्ट सीन, टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट सीन पर हम जा रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं और फिर इसको मुल्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने मुल्तान रीजन भी से दिखा दिया। सो ये हमारी प्रेजेंटेशन यहां पर कंप्लीट हो गई। इसमें हमने कितनी 4 डिफरेंट स्लाइड्स ली है। पहली स्लाइड में हमारा जो व्यू होगा वो सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से होगा, जैसे पूरा पाकिस्तान और उसकी तमाम सिटीज रीजन नजर आ रहे होंगे। सेकंड के अंदर हम सिर्फ कराची को देख रहे होंगे, थोड़ा कराची को प्रॉम्प्ट कर देते हैं, ग्रेट। सेकंड के अंदर हमें कराची नजर आ रहा होगा, थर्ड सीन के अंदर, थर्ड सीन के अंदर हम हैदराबाद को दिखाना चाहते हैं, सो मैंने हैदराबाद को प्रॉम्प्ट कर दिया। फोर्थ सीन के अंदर मैं मुल्तान दिखाना चाह रहा हूं, सो मैंने मुल्तान को प्रॉम्प्ट कर दिया, और एक और सीन बना लेते हैं एड लेयर, और लास्ट लेयर पे रहते हुए मैं मुल्तान जो है वो यहां पर प्रॉम्प्ट कर देता हूं। ठीक है, हर एक की सेटिंग अगर आप अपने हिसाब से देखना चाहें दोबारा से तो आप देख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन मैं चाह रहा हूं 5 सेकंड नजर आए, इस पर एक इफेक्ट होना चाहिए, जब ये कराची पे जाए तो ये 3 सेकंड नजर आएगी, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 सेकंड कर देते हैं, इफेक्ट नजर आ रहा है। हैदराबाद पे जब जा रहा है तो वो बिल्कुल करीब ही है तो इसको 3 सेकंड कर देते हैं, और इफेक्ट मैं अपनी मर्जी से कोई दे देता हूं। देन उसके बाद ये जब मुल्तान पे जाए तो उसका ड्यूरेशन ठीक है, इफेक्ट दे दिया, और लास्ट जब वो लाहौर पे जाए तो ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि बराबर में ही है, और इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। सो ये मैंने डिफरेंट टाइप के जो है वो इफेक्ट दे दिए। अब फाइनली सीन नंबर 1 पे रहते हुए मैं इसे प्ले करता हूं, आप देखें ये ग्लोब मुझे नजर आ रहा है फुल स्क्रीन पर, और ये खुद टूर हो रहा है। ठीक है, मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा, वो विजन जो है वो 3 सेकंड से कराची पर आया, और ये जो मूवमेंट हो रही है ना ये खुद हो रही है, ऑटो है। कराची से निकलकर आप देखें ये हैदराबाद को फोकस कर रहा है। ठीक है, 3 सेकंड हमने उसका टाइम सेट किया था इसलिए देखें क्विकली ये मूव कर रहा है, और फिर ये मुल्तान की तरफ चला गया, राइट। और मुल्तान से अब ये निकल के डेफिनेटली, चूंकि इसका ड्यूरेशन ज्यादा था, लाहौर की तरफ चला गया, और लाहौर का ड्यूरेशन कम था तो ये यहां पर हमारी फ्लाइट जो है वो एंड हो जाएगी, राइट। तो एक्चुअल में मैं स्केप प्रेस कर रहा हूं, यहां पर ये एंड हो चुकी है, सो मैं स्केप कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि एनिमेशन के अंदर ये रूटेट जो है वो जिस तरह से हमने इस पर इफेक्ट दिए वो ठीक नहीं है, तो आप इस पर नो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये मूवमेंट हो रही थी ना आप देख रहे थे, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट हो रहा था, तो वो सारी चीजें यहां पर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब वंस अगर आपने जरा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके इफेक्ट्स एज पर नीड आप सेट करेंगे, टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से सेट करेंगे, जो भी आपको करना है वो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेंगे। अच्छा, वंस जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर दो तरीके इसकी प्रेजेंटेशन देने के। पहला तरीका तो ये कि यहीं पर ही इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, ऑडियंस को लाइव आप लेकर आए, और ये सारे पैनल्स आपने ऑफ किए हुए हैं। अगर ऑफ नहीं भी किए हुए तो आपको पता है कि जब आप प्ले करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है वो आपकी वेव हो जाएंगी, और लाइव ऑडियंस जो है वो यहीं पर ही एक्सेल के अंदर ही सारी चीजों को देख रही है।
लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि इसको आप अपनी पीपीटी का पार्ट बना दो या आप किसी के साथ इसको ईमेल के थ्रू शेयर कर सको, तो डेफिनेटली इसको मूवी के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। सो मैंने स्किप बटन प्रेस किया है और मेरे पास यहाँ पर क्रिएट वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। जस्ट मैं क्रिएट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। प्रेजेंटेशन आपको किस एनवायरनमेंट पे क्रिएट करनी है, एचडी पे क्रिएट करनी है, कंप्यूटर टैबलेट्स के हिसाब से बनानी है, मोबाइल के हिसाब से क्रिएट करनी है। ज़ाहिर है मोबाइल पे हल्की फुल्की फाइल होती है और बहुत हैवी फाइल मोबाइल की मेमोरी भी जो है वो ज़्यादा लेती है और सिस्टम भी जो है वो स्लो कर देती है। तो फिलहाल तो मैं इसको एक स्टैंडर्ड वीजन ले लेता हूँ कि कंप्यूटर टैबलेट्स के लिए मैं इसे क्रिएट करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ से कंप्यूटर एंड टैबलेट्स को सेलेक्ट किया एंड देन सिंपली मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूँ। मुझसे सवाल करता है कि ये वीडियो किस नाम से और कहाँ सेव करनी है। सो इस सिचुएशन में मैं इसे 2 और 1 के नाम से ही सेव कर देता हूँ, लेकिन लोकेशन मैं इसकी डेस्कटॉप दे देता हूँ और मैं सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सो ये कुछ मिनट्स लगाएगी और पूरी वीडियो जो है वो रेंडर हो जाएगी। सो हम मिलते हैं कुछ मिनट्स के बाद ताकि जब ये फाइनल वीडियो रेडी हो जाए तो मैं इसका एक फाइनल वर्जन आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और मैं इसको ओपन नहीं कर रहा डायरेक्टली, यहाँ से इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर रहा हूँ और मिनिमाइज कर रहा हूँ। और मिनिमाइज करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ तो मेरे पास 2 और 1 नाम की एक वीडियो रेडी हो चुकी है। मैं इस वीडियो पे जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि MP3 है और डायरेक्टली डबल क्लिक करने से ये प्ले हो ही जाएगी। तो डबल क्लिक किया है और राइट, ये बिल्कुल उसी तरह से देखें वीडियो हमारी रन हो रही है जैसे कि हमने वहां पर देखी थी। अब ये फाइल ऑफ कोर्स आप अपनी पीपीटी के अंदर वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं और किसी के साथ अगर ईमेल पे शेयर करना है तो आप इसको ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं और ये एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है, तो ऑडियंस के साथ अगर आप अपने डाटा को सिटी लेवल पर, कंट्री लेवल पर, इवन स्ट्रीट लेवल पर भी दिखाना चाहें तो आपको पावर मैप जो है वो बड़ी जबरदस्त हेल्प कर सकता है।